हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स लेकर आया हूं। इनफैक्ट ये केवल एक राइटर द्वारा लिखी हुई सेल्फ हेल्प बुक है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली हैं, आपको इंस्पिरेशन मिलने वाला है इन बुक को पढ़कर। तो आप इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा और देखिएगा कि वो बुक कौन सी हैं। और साथ ही अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं जो बुक आपके सामने लेकर आया हूँ, या फिर कहूँ कि रिकमेंडेशन के तौर पर आपके सामने लेकर आया हूँ, वो बुक मैंने पढ़ ली हैं, ऑलरेडी रीड है मेरी, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने वो सारी बुक फिनिश कर ली थी, पढ़ ली थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं वो बुक आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आपको बहुत अच्छा लगे, आप मोटिवेट हो, आप अपने करियर के बारे में सोचो, आप अपने गोल के बारे में सोचो, आप बहुत कुछ अचीव करो। और हाँ, एक अपेक्षा भी रहेगी कि आप केवल इस वीडियो को देखकर, ऐसा नहीं कि इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, लेकिन आप इन बुक में से कोई भी बुक खरीद कर आप उस बुक को आजमाइएगा ज़रूर, क्योंकि यही बुक हमें आगे चलने के लिए एक नया रास्ता दिखाएंगी। तो शुरू करती हैं। ये चारों की चारों बुक जो मैं आज आपको रिकमेंडेशन के तौर पर बता रहा हूँ, वो एक ही लेखक ने लिखी हुई है, एक ही राइटर ने लिखी हुई हैं, और बहुत ही फेमस राइटर ने लिखी हुई हैं। और वो उन राइटर का नाम है डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की प्रत्येक बुक आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि उनकी लेखन शैली बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपके सामने नंबर वाइज नंबर ये सारी बुक शो करता हूँ, और मैं एक एक करके इन सारी बुक के बैक कवर पर जो लिखा हुआ है वो पढ़कर सुनाऊंगा, ठीक है। और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो जाएगा इसी पीछे के प्रोलॉग को देखकर, पीछे की विवेचना को देखकर, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारी बुक आपको बताता हूँ। तो पहली जो बुक है वो है चिंता छोड़ो सुख से जियो बाय डेल कार्नेगी। ये हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का हिंदी संस्करण है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये चिंताओं के बारे में, अपनी चिंता कैसे दूर की जाए, अपनी चिंताओं को कैसे ख़त्म किया जाए, ये उसी बारे में बताती है, क्योंकि प्रत्येक इंसान को किसी न किसी बात को लेकर चिंता अवश्य होती है, और यही चिंता उसकी चिता का कारण बनती है, यानी उसकी मृत्यु का कारण बन जाती है। इसीलिए चिंताओं को कैसे अपने जीवन पर हावी होने से रोकें, ये बुक वही बताती है। और ये बहुत ही अच्छी बुक है जो आपको सरल तरीके से इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे मेथड के बारे में आपको बताती है, ठीक है। तो मैं इसके पीछे जो है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। चिंता सभी को होती है, नौकरी, व्यवसाय, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और संबंध को लेकर हर व्यक्ति चिंतित रहता है। इस पुस्तक में ऐसे अचूक नुस्खे दिए हुए हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी चिंताओं को दूर कर सकते हैं हमेशा के लिए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि किस तरह हजारों लोगों ने चिंता पर विजय प्राप्त की, जिनमें से कुछ मशहूर हैं परंतु अधिकांश लोग सामान्य हैं। वे सुख शांति से जीने के व्यवहारिक सुझाव देते हैं तथा रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी गतिविधियों को संबोधित करते हैं। इससे पाठक जीवन के प्रमुख पहलुओं पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस पुस्तक में महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है, जैसे चिंताओं के बारे में मूलभूत तथ्य को आप कैसे मालूम कर सकते हैं, चिंता की परिस्थितियों को जीतने के जादुई फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार अपने व्यवसाय की अधिकतर चिंताओं को खत्म किया जाए, सुख शांति का मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने के कारगर उपाय, थकान हटाने और ऊर्जावान बने रहने के सरल उपाय, किस तरह आलोचनाओं से जुड़ी चिंताओं से बचा जाए, और चिंता को जीतने वाले लोगों के व्यक्तिगत सुझाव। इस पुस्तक में दिए गए उपायों को आज ही आजमाइए और आपके भविष्य को आप बदल सकते हो। ये बुक बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाती है, और आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, मेरी ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि ये बुक चिंताओं की बहुत सारी मेथड को आपके सामने रखती है। ये बुक पढ़ने से आपको, आप अपनी चिंताओं को कैसे सुलझा सकते हो, आप अपनी समस्याओं को कैसे सुलझा सकते हो, अपनी चिंताओं को कैसे दूर कर सकते हो, ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको बताती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक डेल कार्नेगी की ही लिखी हुई बहुत ही अच्छी बुक है, जो सभी यूट्यूबर, सभी बुक ट्यूबर रिकमेंड करती हैं।
ये है लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला, जो डेल कार्नेगी ने ही लिखी हुई है। ये है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का हिंदी संस्करण, और ये बुक भी बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाती है, और फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पर हमेशा ये बहुत ही कम प्राइस में आपको मिलेगी। और मैं इस बुक के बारे में कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। डेल कार्नेगी दिलचस्प शैली और भाषा, सरल भाषा में बताते हैं कि लोगों को प्रभावित करने के आजमाए हुए अचूक तरीके अपना कर आप किस तरह अधिक सुखी और संपन्न बन सकते हैं। पाठक जान पाएंगे कि वे अपने व्यवहार और तौर तरीकों में बदलाव कर अपने प्रति दुनिया का नज़रिया कैसे बदल सकते हैं। इस पुस्तक को विश्व की कई प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा सराहा गया है और अपनाया गया है। इसमें बताई गई बातों का अनुसरण करके आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो मित्रवत और प्रभावशाली हो तथा जिस पर लोग भरोसा करके संबंध बनाने को तत्पर हों। जब आपके कई अच्छे मित्र और बेहतर व्यावसायिक संपर्क होंगे तो आप व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की मजबूत स्थितियों को पालेंगे। और इस पुस्तक में महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर किया हुआ है, जो हैं किस तरह तुरंत और आसानी से दोस्त बना जाए, किस तरह लोगों को आपकी बात मनवाने के लिए तैयार किया जाए, किस तरह नए ग्राहकों का दिल जीता जाए, किस तरह एक बेहतर और रोचक वक्ता बना जाए, किस तरह अपने साथियों व सहकर्मियों में जोश का संचार किया जाए, संबंध सुधारें, लोगों को प्रभावित करें और अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करें। ये सब इसके पीछे लिखा हुआ है। और ये बुक मैंने पढ़ी और मैं अपने प्रभावशालिता को, अपने जो व्यवहार की प्रभावशालिता है उसको समझ पाया। आप भी इस बुक को पढ़िए और अपनी व्यवहार को सुधारिए, अपने आजू बाजू के संबंधों को सुधारिए, अपने रिलेशन को सुधारिए। ये बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक भी डेल कार्नेगी द्वारा ही लिखी हुई है और बहुत ही अच्छी बुक है। ये है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बहुत ही अच्छी बुक जो आपको डेल कार्नेगी ने अपनी लेखन शैली द्वारा उपलब्ध कराई है। और आप जब इस बुक को पढ़ोगे तो आपको अपने आत्मविश्वास में दिनों दिन बढ़ोतरी का अनुभव अपने आप होने लगेगा। आप अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त कर लोगे। और ये बुक है ही ऐसी कि जब आप सफलता की ओर ले जाने वाली एक सीढ़ी को प्राप्त कर लोगे इस बुक को पढ़कर, क्योंकि ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। आपके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए, आप लोगों से कैसे बात करें, किस तरह आप अपने आप को एक समन्वित रूप में, संतुलित रूप में अपने आप को ढालें, इस बुक के पीछे कुछ जानकारी दी हुई है, मैं वो पढ़कर सुनाता हूँ। अगर मंच से बोलने के लिए कहे जाने पर पब्लिक स्पीकिंग आपको चिंता और डर से भर देती है तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। इस पुस्तक में आपके डर को भगाने के उपाय हैं। आप बैठे बैठे जितनी अच्छी तरीके से सोचते हैं उतनी अच्छी तरह से खड़े होने पर क्यों नहीं सोच पाते, क्यों इसके पीछे कोई कारण है? अवश्य है, आप अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा कोई भी कारण नहीं है। चाहे आत्मविश्वास का विकास करना हो या अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना हो, अच्छी याददाश्त लानी हो या अच्छी डिलीवरी करनी हो, याद करने के प्राकृतिक नियम हो या सफलतापूर्वक बोलने के ज़रूरी तत्व हो, यह पुस्तक इन सभी चीज़ों को सिखाती है एवं किसी भाषा को शुरू और ख़त्म करने के साथ साथ श्रोताओं को बांधे रखने के तरीके भी बताती है। डेल कार्नेगी की यह किताब हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग का हिंदी संस्करण आपका डर भगाने के साथ साथ प्रसिद्ध वक्ताओं का भाषण तैयार करने का तरीका बताता है और लोगों को आत्मविश्वास के साथ प्रभावशाली तरीके में बोलने की विधि भी सिखलाता है। तो ये है डेल कार्नेगी की बहुत अच्छी बुक जिसे आपको पढ़ना ही चाहिए। नेक्स्ट बुक है हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब, अपनी जॉब और ज़िंदगी का आनंद कैसे उठाएं। बेस्ट सेलिंग किताबों से उद्धृत हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल एंड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरणों को इसमें दिया हुआ है, शामिल किया हुआ है डेल कार्नेगी की इस बुक को। डेल कार्नेगी की इस बुक को दो बुकों के महत्वपूर्ण बातों पर उद्धृत करके लिखा गया है। जो डेल कार्नेगी की पत्नी थी उनने उन दोनों, जो डेल कार्नेगी की दो किताबें हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग के प्रमुख संस्करणों को, प्रमुख बातों को, प्रमुख विचारों को इस पुस्तक में संकलित किया हुआ है। डेल कार्नेगी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी ने ये सारी चीज़ें की थी और दोनों बुक का सार इस बुक में है। इसके पीछे है, मैं कुछ पढ़कर सुनाता हूँ। आप अगर आप अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट नहीं हैं और आपको अपनी जॉब और ज़िंदगी में संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा है तो आपने सही किताब उठाई है।
अपने वरदानों पर ध्यान दें, मुसीबतों पर नहीं। शांति एवं प्रसन्नता पाने के तरीके से लेकर लोगों से सही व्यवहार करने और उन्हें पसंद आने तक की बात हो तो यह किताब आपको काम करने में अच्छी आदतें सिखा सकती है और थकान लाने वाली बोरियत को भी दूर भगाने का तरीका बताती है। कैसे आराम किया जाए, कैसे अपना बेस्ट दिया जाए, कैसे संतुष्ट जीवन लक्ष्य तारतम्यता का भाव विकसित किया जाए, इन सभी मामलों में डेल कार्नेगी का क्लासिक बेस्ट सेलर पुस्त हाउ टू एंजॉय योर लाइफ एंड योर जॉब महत्वपूर्ण मदद करती है। यह पाठकों की ज़िंदगी, जॉब एवं लोगों के प्रति अपने नज़रियों को बेहतर बनाने में मदद करती है और यह बताती है कि वे कैसे अपनी प्रतिभाओं एवं विशेषताओं को पहचाने। तो ठीक है, ये है डेल कार्नेगी की बहुत ही अच्छी बुक, दो बुकों का सार देने वाली एक बुक जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मैंने ये जो बुक रिकमेंडेशन आपको दिया है डेल कार्नेगी का, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, और How to enjoy your life and your job and how to develop self-confidence and influence people by public speaking। ये चारों की चारों बुक आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। मेरी इच्छा है कि आप ये चारों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हो और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हो। ठीक है, तो ये है मेरा बुक रिकमेंडेशन। आशा है आपको ये बुक रिकमेंडेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, बहुत सारी बुक पढ़ते रहिए और अपनी ज़िंदगी को एक नया मुकाम पर पहुँचाने की कोशिश करिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।